हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जनीस आज आप लोगों को एकोनाइट नेबुलस के बारे में बताएंगे। तो एकोनाइट मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन। एकोनाइट जो मेडिसिन है वो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एकोनाइट मेडिसिन जो है वो सडन कहीं बाहर से गए ठंडा में घूमने और आपको सर्दी खांसी हल्का सा हो जाए तो एकोनाइट सडनली बहुत ही बेटर काम करता है। ऐसे जान जाए एकोनाइट का जो प्रेशन होता है वो रेस्टलेसनेस होता है, फियरफुल होता है, भय पूरा भय भी तो रहेगा। अब जैसे रोड क्रॉस करने में उसे डर लगता है कहीं मेरा जान न चली जाए, तो एकोनाइट का पेशेंट भयभीत रहेगा, भयभीत होगा। दूसरा चीज है भयभीत हमेशा रहता है। दूसरा चीज है एकोनाइट का पेशेंट किसी चीज पर बेचैन रहेगा, वो हमेशा बैठा हुआ नहीं रहेगा, चलते फिरते रहेगा और हमेशा बोलते रहेगा। उस टाइप को पेशेंट को हम एकोनाइट का पेशेंट बोलते हैं कि एकोनाइट का ये पेशेंट है, इस तरह का हरकत कर रहा है, बहुत ज़्यादा भय। एकोनाइट के पेशेंट को इतना जान जाए बहुत ज़्यादा भय होता है, उसे रोड क्रॉस करने में भी लगता है कि जान चली जाए, इस टाइप का लगता है कि उसे कुछ दिक्कत हो जाए, बहुत बहुत तरह बहुत तरह के बाद भय भी डरपोक टाइप का हो जाता है ऐसे भाषा में कहा जाए तो। दूसरा चीज है कि एकोनाइट मेडिसिन है वो कोल्ड में भी बहुत इफेक्टिव है, हॉट में भी इफेक्टिव है। एकोनाइट मेडिसिन जो है वो तत्काल किसी रोग में, अब आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और ठंड से आप सर्दी खांसी हो जाए तो हम बताएं तो एकोनाइट मेडिसिन आप लोगों में बहुत बढ़िया काम करते हैं, और अगर तुरंत काम नहीं करते हैं तो फिर आप अपने नज़दीक के फिजिशियन से जा कर के संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बीमारी में सडन जो बीमारी अचानक आती है उसमें एकोनाइट बहुत ही बेस्ट वर्क करती है। उसे गर्मी के मौसम में कैसे काम करते हैं, गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकले और ठंड कुल्फी आइसक्रीम खा लिए, ठंड हो गया उसे सर्दी, उसके बाद सर्दी खांसी आपको होने लगा, घर पर आया तो बस आप एकोनाइट एक खुराक लें, बहुत ही बेटर काम करती है। तो एकोनाइट का पेशेंट इतना जान जाए वो भयभीत होता है, बेचैन होता है, वो अस्थिर से नहीं बैठेगा, हमेशा कुछ ना कुछ बात बनी बात करेगा, घबराया हुआ रहेगा। मेनली एकोनाइट के पेशेंट को फियर होता है, घबराहट, ये सब एकोनाइट का पेशेंट है। और इसमें बता दिए कि वो ठंड में एकोनाइट मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है, जैसे आप घर से बाहर निकले आप हल्का ठंड लग गया, सर्दी खांसी हो गया, आप एकोनाइट मेडिसिन 2 से 3 बूंद लें, बहुत बढ़िया काम करती है। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से जा करके फिर समझ कर सा सकता है, लेकिन ये होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट है जो अब कैसे लेंगे, तो बड़े लोग जो हैं वो 4-4 बूंद लें और छोटा जो बच्चा है वो 2-2 बूंद, बुजुर्ग भी है उन्हें भी 2-2 बूंद ही देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और दूसरा चीज़ एकोनाइट मेडिसिन जो है उसे देने से पहले जान लें कि पेशेंट कैसा है, तो पेशेंट का हम लुक बता देंगे। पेशेंट जो है हमेशा पेशेंट जो है वो भयभीत होगा, बेचैन होगा, कोई भी रोग होगा तो वे एक स्थान पर बैठा हुआ नहीं रहेगा, हमेशा बात करता रहेगा, इधर उधर बेचैन की हालत में रहेगा, हमेशा ऐसा ऐसा बात सोचते हैं, बहुत डरावना बात सोचता है कि हम ये हो जाएगा, हम ये हो जाएगा, उसका फियर ही मेन फैक्ट सिम्टम है, डरा डरपोक डर उसको मेन है। डर जो अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई बीमारी से भी डर है तो एकोनाइट का वो पेशेंट है, और उसमें एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही बढ़िया करती है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।